बीजेपी के मिशन 80 को अमली जामा पहनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। सीएम योगी आज ताज नगरी आगरा पहुंचे। यहां सीएम योगी ने प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित किया। 24 सिराड़ में योगी ने विपक्षी गठबंधन पर जोरदार हमला बोला। 24 किरण में योगी की हुंकार, बहुत बहुत धन्यवाद। ताज नगरी से जोरदार प्रचार, आपने राम नाम के जयकारे संग प्रभु राम के भव्य मंदिर का निर्माण का मार्ग भी पक्षी गठबंधन पर करारा वार। आगरा में सीएम योगी प्रबुद्धजन सम्मेलन में पहुंचे तो विरोधियों पर वार करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। मिशन 80 को धार देने के लिए सीएम योगी ने पश्चिमी यूपी से हुंकार भरने का काम शुरू किया। 80 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार के तहत सीएम योगी ताज नगरी पहुंचे। बीजेपी प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल के समर्थन में योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला। आगरा के शमशाबाद और सूर सदन में सीएम ने प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित किया, विपक्षी गठबंधन को निशाने पर लिया। केरल में कम्युनिस्टों ने कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं किया, लेकिन वहाँ इंडी गठबंधन का हिस्सा अपने आप को कह रहा है। ऐसे ही महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिल रहा है और ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों में जब इनको प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं तो सपा का प्रत्याशी कांग्रेस में जा रहा है, कांग्रेस का सपा में जा रहा है। पिछली सरकारों के वक्त दंगे और क्राइम को लेकर सीएम योगी ने सपा और बीएसपी पर हमला बोला। कहा कि अब गुंडे जान की भीख मांगते हैं। अब आप देख रहे होंगे अब तो ज्यादातर अपराधी अपने गले में तख्ती लटका करके घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया जिंदगी भर खेला लगा करके पेट भर लूंगा, लेकिन अब कुछ गलत काम नहीं करूंगा, एक बार जान बचस तो बस। सीएम योगी ने विरोधियों के खिलाफ हुंकार भरी तो केंद्र की मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। जिस भी क्षेत्र में जा रहा हूं अब तक मैं लगभग 25 लोकसभा सीट को कवर कर चुका हूं और मैंने एक चीज देखी है, जहां भी मैं जा रहा हूं लोग मुझे एक बात कह रहे हैं साहब हमारी बढ़त 3 लाख से प्रारंभ होकर के आगे जनता जनार्दन का आशीर्वाद जहां तक मिल जाए वहां तक हम लेके जाएंगे। चुनाव हम लोग चुनाव जीता करके अपने प्रत्याशी को भेजेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं, हर एक ओर से ही आवाज आ रही है। लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 सीटों पर सीएम योगी चुनाव प्रचार कर रहे हैं ताकि मिशन 80 के प्लान को पार्टी पूरा करने की ओर बढ़ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।